हाय दोस्तों, मैं हूँ रियाज, इंडियन कॉमेडियन। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल का नाम ही रियाज इंडियन कॉमेडियन है। लेकिन कॉमेडियन होने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कॉमेडी डालूँ। मैं कभी कभी कुछ अच्छा मैसेज आता है तो वो डाल देता हूँ, कभी कोई अच्छी लोकेशन जो मुझे पसंद आती है वो डाल देता हूँ। जैसे कि आज मैं लखनऊ आया तो मुझे ये बहुत ही प्यारा लोकेशन नज़र आया। इसे कहते हैं, पीछे जो देख रहे हैं हमारे, ये रोमी गेट है, लखनऊ का ये रोमी गेट है। और इसके जस्ट ये सामने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इमाम बाड़ा है। ये बड़ा इमाम बाड़ा है पीछे, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा इमाम बाड़ा है। और ये रोमी गेट है जहाँ खड़ा हूँ मैं, ये रोमी गेट है। इस रोमी गेट से सीधे चले जाएंगे तो छोटा इमाम बाड़ा है। देखते हैं, अगर समय मिला तो दोनों दिखा दूंगा, वरना एक तो आज आपको दिखा ही दूंगा। चलिए देखते हैं। ये है बड़ा इमाम बाड़ा का बैक साइड, यानी पीछे। बहुत से लोग आगे, अगर आगे से ये देखे, सामने दिख रहा है तो पुराने दौर में जब बनाया हुआ बड़ा इमाम बाड़ा का, पीछे की मीनार दिख रहा है आपको, ये इमाम बाड़ा का ही मीनार है, ये बैक साइड है। अभी कुछ ही पल में, और ये पास में ही बहुत बेहतरीन गार्डन है, बहुत प्यारा गार्डन है। यहाँ पर परिवार के साथ लोग आते हैं, परिवार के साथ। यही देखिए मीनार दिख रहा है, वही है भूलभुलैया। देखते हैं, मौका मिला तो अंदर भी, अंदर का भी नज़ारा दिखाऊंगा। गार्डन के बाहर लिखा हुआ है नींबू पानी की दुकान। देखिए, ये शाम के 6 बजे का वक्त है। हाँ दोस्तों, ये मैं खड़ा हूँ नवाबों के शहर लखनऊ। यहाँ पर ये जो सामने दिख रहा है आपको दोस्तों, सामने ये है, और मैं कौन सा गेट है देखता हूँ जहाँ का नाम बोला आप लोगों का, लेकिन ये इमाम बाड़ा। इस गेट का नाम, यस, इस गेट का नाम है रोमी गेट। बहुत दिनों से हमारी कोशिश थी इस कि आप रोमी गेट को हम जब इमाम बाड़ा दिखाएं तो उसके आगे आ जाएगा, पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था बड़ा इमाम। आज मौका मिल गया तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। हालांकि मैं बड़े इमाम बाड़ा की तरफ जा रहे हैं, हमारे बड़े इमाम बाड़ा का इमाम बाड़ा है, मौका मिला इमाम बाड़ा भी है। लेकिन जाकर आपको हमारे पीछे साइड में है, लेकिन उस तरफ जाने के लिए मेरे पास समय शायद नहीं होगा, इसलिए मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। ये रोमी गेट के आसपास बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इस वजह से मैं कैमरा आपको राइट लेफ्ट आगे पीछे थोड़ा घुमाता रहता है। बच्चा ये हो, यहाँ पर टेम्पो मिलती, टेम्पो है ये, यहाँ से बैठ कर निशातगंज जा सकते हैं। और ये कुछ लोग हैं फोटो सेशन कर रहे हैं, लोग काफ़ी लोग यहाँ वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, घूमने आते हैं, पिकनिक बहुत। हाय दोस्तों, मैं हूँ रियाज, इंडियन कॉमेडियन। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल का नाम ही रियाज इंडियन कॉमेडियन है। लेकिन कॉमेडियन होने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कॉमेडी डालूँ। मैं कभी कभी कुछ अच्छा मैसेज आता है तो वो डाल देता हूँ, कभी कोई अच्छी लोकेशन जो मुझे पसंद आती है वो डाल देता हूँ। जैसे कि आज मैं लखनऊ आया तो मुझे ये बहुत ही प्यारा लोकेशन नज़र आया। इसे कहते हैं, पीछे जो देख रहे हैं हमारे, ये रोमी गेट है, लखनऊ का ये रोमी गेट है। और इसके जस्ट ये सामने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इमाम बाड़ा है। ये बड़ा इमाम बाड़ा है पीछे, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा इमाम बाड़ा है। और ये रोमी गेट है जहाँ खड़ा हूँ मैं, ये रोमी गेट है। इस रोमी गेट से सीधे चले जाएंगे तो छोटा इमाम बाड़ा है। देखते हैं, अगर समय मिला तो दोनों दिखा दूंगा, वरना एक तो आज आपको दिखा ही दूंगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये है रोमी गेट, इसे लोग रोमी गेट कहते हैं। इस गेट के पीछे जाएंगे तो छोटा इमाम बाड़ा है। इस रोमी गेट के बाजू में ही बहुत खूबसूरत सुंदर सा गार्डन है, जिसे गुलाब वाटिका गार्डन कहते हैं। कितना प्यारा गार्डन है, दिल करता है पूरा गार्डन घूमूं, लेकिन पूरा गार्डन घूमूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। ये रोमी गेट है, और इससे जस्ट उसी से मिलकर बाजू में ये आ जाता है आपका भूलभुलैया, यानी कि बड़ा इमाम बाड़ा। हम आपको वहाँ ले चलेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा गार्डन की झलक देखते हैं। ये है खूबसूरत गार्डन, और खूबसूरत गार्डन में नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। और ये चाचा जा रहे हैं, और कोई सलमान खान जैसा जा रहा है। गार्डन में बहुत लोग मस्तियाँ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा देर यहाँ
रुकना अच्छी बात नहीं, पब्लिक प्लेस है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये खूबसूरत सा गार्डन की झलक बहुत पसंद आई होगी। देखिए गार्डन में ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं ले सकते क्योंकि काफ़ी पर्सनल जगह होती है, बहुत से लोगों की प्राइवेसी होती है, तो मैं नहीं चाहूँगा किसी को मेरी वजह से बुरा लगे। चलिए आपको दिखाता हूँ बड़ा इमाम बाड़ा का, बड़े इमाम बाड़ा की बारीकियाँ। ये है बड़ा इमाम बाड़ा, बहुत ही मशहूर है दोस्तों, बहुत बार यहाँ पर आया हूँ इमाम बाड़ा घूमने के लिए। मैंने कई बार कोशिश की है अंदर जाने की, पिछली बार आया था तो किसी ने कहा कोरोना की वजह से बंद था। अब आज मैं अपना नसीब आजमाता हूँ, देखता हूँ आज खुला है या बंद। अगर खुला है तो मैं आपको अंदर जाकर बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, अगर नहीं खुला होगा तो मैं खुद ही दुखी हो जाऊँगा। ये बड़ा इमाम बाड़ा दोस्तों, जैसे कि जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। हाँ दोस्तों, मैं रियाज, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लखनऊ जब भी मैं आता हूँ तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें या नया लोकेशन, नई कुछ यादें यहाँ की ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज मैंने सोचा था कि यहाँ का भूल भुलैया आपको दिखाऊँगा, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मैं देर हो गया, लेकिन मैं बाहर से जितना हो सकता है वो आपको दिखाया। इस वक्त मैं भूल भुलैया के गेट पे ठीक सामने खड़ा हूँ। ये भूल भुलैया के गेट है, और ये मेरे साथ में है फयाज भाई। ये फयाज भाई रोज यहाँ पर आते हैं। फयाज भाई कितने बजे रोज सुबह खुलता है ये? 10 बजे खुलता है और इसका शाम को 5 बजे बंद होता है। सुबह 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ना पता हो तो ये टाइम नोट कर ले, मेरी तरह फिर आप लोग धोखा ना खाए, है ना? धोखा ना खाए। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का चालू रहता है। अच्छा अच्छा, ओपेंदर है। मुहर्रम के टाइम पे भी वही? मुहर्रम के टाइम पे आपका थोड़ा ये 5 बजे बंद हो जाता है, और ज़्यादातर मुहर्रम में खुलता रहता है, बंद होता रहता है। मुहर्रम के टाइम आप ज़्यादातर ना आए यहाँ। और ये आप पीछे क्या बता रहे थे? ये शाही इमाम है। ये आपका राजा लोग जब निकलते थे उसके स्वागत के लिए शहनाइयाँ बजाई जाती थी। सामने से राजा लोग आते थे तो उसके स्वागत के लिए शहनाई, सामने से जब राजा लोग निकलते थे तो यहाँ पर शहनाई बजा देते, वेलकम सॉन्ग। ओके थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत अच्छा। हमारा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है रियाज इंडियन कॉमेडियन, तो आपको कभी फुर्सत मिले तो बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी। ये इस तरह का कोई नई जगह आप जाऊँगा वो देखने को मिले तो देखिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को बताया हमने कि हमेशा की तरह आज भी मैं लेट हो गया, जितना हो सकता है मैं बाहर से आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ, क्योंकि समय की वजह से आज मुझे बेहद अफसोस हो रहा है। यह है बड़ा इमाम बाड़ा, और ठीक सामने है, उम्मीद करता हूँ रोमी गेट। वीडियो बहुत पसंद आया होगा, समय कम होने की वजह से ज़्यादा और इमाम बाड़ा बंद होने की वजह से अंदर की बातें नहीं कर सका। थैंक यू, लव यू ऑल।